दोस्तों, मैं रमेश कुमार। आज हम बनाएंगे पुराना मिक्सर ग्राइंडर में नया बॉडी लगाएंगे। तो ये देखिए, पुराना मिक्सर ग्राइंडर है जिसका बॉडी टूटा हुआ है बिल्कुल, इसी को आज हम बदलेंगे। तो पहले इसका कनेक्शन हम निकालेंगे। स्विच दोस्तों यही हम लगाएंगे नई बॉडी में भी, इसलिए ये पुराना वाला ही हम निकालते हैं। ये दोस्तों हमने नई बॉडी ली है। तो पहले इसका हम स्टैंड लगाएंगे पीछे का रबड़ का। ये दोस्तों इसलिए आता है कि स्क्रैच नहीं होती है मिक्सर को, एक बबलिंग नहीं करता है, जहाँ भी रखेंगे अच्छे से पकड़ लेता है नीचे का फ्लोर, इसलिए ये रबड़ का होता है। यहाँ पे मिक्सर ग्राइंडर का मोटर है वो रखा जाएगा, इसलिए रबड़ की पैकिंग है, ये लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये इसका ऊपर का कवर है दोस्तों। ये इसका स्विच है। दोस्तों वीडियो को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करके मुझे बताओ कि वीडियो अच्छे लगते हैं कि नहीं लगते हैं आपको। अगर कुछ समझ में नहीं आता तो आप कॉल करके भी पूछ सकते हैं, लास्ट में मेरे नंबर होते हैं। ये दोस्तों कनेक्शन है, तीन स्पीड का मोटर है, तीन वायर होते हैं। तो जहाँ पे डबल वायर है वो एक एक जगह में फर्स्ट सेकंड में है, और सिंगल वायर है वो लास्ट में है। लास्ट में दोस्तों एक रिवर्स वाला भी होता है, पुश का स्विच होता है, वो दोनों में होता है वो कनेक्शन, तीन नंबर में और पुश में। सोल्डिंग कर देते हैं ताकि स्पार्किंग नहीं करें। ये इसका कपलर है दोस्तों। अब जार लगा के हम चला के देखेंगे दोस्तों। ये इसका केप है, नोच। ये लीजिए दोस्तों, मिक्सर ग्राइंडर हमारा बनके तैयार हो गया है, बहुत ही सुंदर लग रहा है, बॉडी भी बहुत अच्छा है इसका, और चला के भी देखिए एकदम बिल्कुल साइलेंट चल रहा है। दोस्तों वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए।